नमस्कार भाई सभी को। और इस विषय पे बहुत से कमेंट्स और क्वेरीज आती रहती हैं कि पीरियड्स में पेन बहुत होता है और पीरियड्स में जो फ्लो है, ब्लीडिंग है, वो भी बहुत कम होती है। तो उसके लिए देखो, 5 ग्राम काला तिल ले लेना। जैसे सफ़ेद तिल होता है वैसे ही काला तिल भी होता है एक, तो उसको 5 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है और पानी में डालकर उसका काढ़ा बना के, जैसे 4 चाय वाले कप लोगे आप, वो पानी चढ़ा देना और उसमें 5 ग्राम काला तिल डाल देना। जब वो उबल उबल के 1 कप बच जाए चाय वाला, तो उसको छान के पी लो, खाली पेट पी लेना। तो इससे आपको जो पीरियड्स में होने वाला दर्द है उसमें भी निजात मिलेगी और जो ब्लीडिंग कम होती है उसमें भी फ़ायदा होगा। और पीरियड्स से संबंधित एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो पीरियड्स में अनियमितता है या ज़्यादा ब्लीडिंग है, कम ब्लीडिंग है, इसके लिए प्लीज़ आप थायराइड टेस्ट और PCOD टेस्ट जो है वो ज़रूर कराएं। PCOD के लिए तो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी रहेगी और थायराइड के लिए टेस्ट होता है, तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको दिक्कत क्या है। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो मैंने जैसे काला तिल बताया है। इसके अलावा महिलाओं में कमजोरी होती है, उसके लिए आप शतावर चूर्ण का सेवन करें दूध के साथ, तो उससे भी आपका शरीर बहुत सेहतमंद रहता है।